महाराणा प्रताप की हल्दी घाटी से सभी दर्शकों को नमस्कार। आज हम आए हैं मेवाड़ की प्रसिद्ध ऐतिहासिक भूमि पर, हल्दी घाटी। तो अभी हम हल्दी घाटी पे हैं। यहाँ पे काफ़ी बारिश हुई है, तो जिसके कारण यहाँ की जो है मिट्टी वो बिल्कुल हल्दी के कलर की दिख रही है। एकदम बिल्कुल जैसा हल्दी का कलर होता है वैसा ही दिख रहा है। और ये आगे चल के महाराणा प्रताप का संग्रहालय है, जहाँ हम जाएंगे शायद जो है अंदर जाएं या ना जाएं, क्योंकि काफ़ी हम भीग चुके हैं, तो पूरे हमारे कपड़े बिल्कुल भीगे हुए हैं, क्योंकि हम कुंभलगढ़ से डायरेक्ट जो है बाइक चलाते हुए यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। करीब हमें 2 से 3 घंटा लगा। ये है जो है हल्दी घाटी का दर्रा। तो यहाँ से अभी हम जाएंगे संग्रहालय की ओर, तो वहाँ देखेंगे कैसा क्या है संग्रहालय, और वहाँ पहुँचने के बाद हम आपको बताएँगे। तो ये हल्दी घाटी अभी हम पहुँचे हैं, और ये हम हल्दी घाटी का जो मुख्य मार्ग है यहाँ से निकलता है। तो यहाँ की जो ये मिट्टी है, ये जो मिट्टी के पहाड़ दिख रहे हैं यहाँ पे, ये पीली मिट्टी है, तो इसीलिए इसका नाम पड़ा हल्दी घाटी, हल्दी के कलर की है। तो यहाँ की एक कहावत भी है कि तिलक करो इस धरती से, ये धरती है बलिदान की। तो यहाँ आप जो है इस मिट्टी से तिलक कर सकते हैं, ये बलिदान की धरती है, महाराणा प्रताप की धरती है। यहाँ पे महाराणा प्रताप ने जो है अकेले ही अपनी कुछ सैनिक, जो उनके भील सैनिक हुआ करते थे, उनके साथ मिलकर अकबर की सेना से लोहा लिया था, और अकबर की सेना को जो है यहाँ से पीछे भगा दिया था। तो ये वही धरती है जहाँ महाराणा प्रताप की शौर्य गाथा जो है घर घर में गाई जाती है। महाराणा प्रताप एक बहुत ही स्वाभिमानी जो है राजा हुए हैं, जिन्होंने कभी मुग़लों की जो है अधिपत्यता स्वीकार नहीं की, उन्होंने कभी मुग़लों से संबंध नहीं रखे, उन्होंने कभी मुग़लों से जो है वो डरे नहीं, कभी झुके नहीं उनके सामने, कभी उनके नीचे की गुलामी स्वीकार नहीं की। इसलिए आज हम उनको तहे दिल से नमन करते हैं। उनके इस जो है मेवाड़ में हम घूमने जाते हैं, यहाँ बहुत सारे पर्यटक आते हैं जो कि महाराणा प्रताप की वीर गाथा से जो है बहुत ही गौरवान्वित होते हैं। तो ये वही धरती है महाराणा प्रताप की, जहाँ महाराणा प्रताप ने 1575 में जो है युद्ध किया था। और ये हम अभी हल्दी घाटी के काफ़ी ऊपर के एरिया में आ गए हैं। पीछे एक किला जैसा है, बट वो बंद है अभी, वो खुला नहीं है, तो हम अंदर नहीं जा सकते। और यहाँ पे हमने अपने रेनकोट वगैरह उतार के बाइक में सुखाने के लिए टांग दिए हैं। और ये पीछे जो आपको दिख रहा है, यही है महाराणा प्रताप जी का संग्रहालय। तो ये इधर हम उनके बिल्कुल संग्रहालय के बगल में ही खड़े हैं, बट हम बहुत भीग गए हैं, तो इसके कारण हम अभी अंदर नहीं जा सकते। हमारे जूते, हमारे कपड़े सब भीग चुके हैं। और यही है हल्दी घाटी का पूरा एरिया जो आपको नीचे दिख रहा है, हरा भरा एरिया है। ये वैसा रेगिस्तान जैसा एरिया नहीं है, राजस्थान में है तो वो अलग साइड होता है रेगिस्तान। ये इस साइड जो है मेवाड़ में, ये काफ़ी हरा भरा एरिया है, और यहाँ पे बारिश भी बहुत होती है। और ये आ गई चेतक समाधि, जो महाराणा प्रताप जी का एक बहुत ही नामी ग्रामी घोड़ा था, जिसे वो अपना पुत्र जैसा ही प्यार करते थे, उसकी ये समाधि है। जब युद्ध हुआ था तो महाराणा प्रताप की जान बचाने के उसमें चेतक भी काफ़ी घायल हो गया था, और वो वीरगति को प्राप्त हुआ था। यही जगह वो है जहाँ चेतक की समाधि है। और नीचे ये भगवान शिव का मंदिर है, जहाँ महाराणा प्रताप स्वयं जो है पूजा अर्चना किया करते थे। भोले के भक्त थे, शंभू के भक्त थे वो। और यहाँ पर जो है ये चेतक समाधि है। और ये जो भैया हमें दिखा रहे हैं, तो जब कभी भी आप लोग भी आएँ तो इनको कुछ धनराशि वगैरह दें, इनका सहयोग करें, क्योंकि यही इनकी जीविका का सहारा है, ये वाले भैया। और हमारे दोस्त, परम मित्र हमारे अतुल जी भी हमारे साथ आए हैं। दिल्ली से हम दोनों लोग निकले थे बाइक से, और ये हम पहुंच गए हैं अभी शाही बाग। तो शाही बाग ये वो जगह है जहां जब युद्ध होना था हल्दी घाटी का, तो यहां पर अकबर की सेना रुकी हुई थी। अकबर के सेनापति जो थे वो मेवाड़ जो आमेर के राजा मान सिंह थे, जो कि अब जयपुर के नाम से भी जाना जाता है, तो वहाँ के राजा मान सिंह थे, वो उस सेना को जो है लीड कर रहे थे। और यहाँ पे ये पूरे एरिया में उनकी सेना रुकी हुई थी। तकरीबन जो उसकी संख्या बताई जाती है सेना की, वो 1 लाख या उससे भी ज़्यादा थी। और महाराणा प्रताप की जो सेना थी वो तकरीबन 20,000 या 25,000 के करीब थी। तो सेना बल में काफ़ी कम थे, बट
जो महाराणा प्रताप की युद्ध लड़ने की क्षमता थी पहाड़ों में, वो उनसे कहीं ज़्यादा थी। इस वजह से ये युद्ध जो है वो अनडिसाइसिव रहा, ना तो अकबर की सेना जीती ना महाराणा प्रताप की सेना जीती, मगर जनबल की बहुत ही ज़्यादा हानि हुई थी इसमें। अब ये वो जगह है जो रक्त तलाई नाम से ये फेमस इसलिए है कि यहाँ पर खून आकर भर गया था सैनिकों का। 18 जून 1576 को जब ये युद्ध हुआ था, तो उस युद्ध के दौरान थोड़ी देर के लिए बारिश हुई थी, और जो बारिश के कारण जो वीर गति को प्राप्त हुए थे उनके खून आकर इस तालाब में, ये तालाब नहीं कहेंगे तलाई कहेंगे, छोटी जगह थी तो जो छोटी जगह होती है उसको तलाई बोलते हैं, तो इस तलाई में भर गया था। ये जो है ग्वालियर के जो राजा आए थे उन्होंने यहाँ पर अपनी जो है वीर गति को प्राप्त हुए थे उनके उपलक्ष्य में ये बनवाया गया है, और ये है रक्त तलाई जहाँ एक छोटा सा पुल सा बना दिया गया है। आइए, ये छतरी नुमा है, ये एक ये तंवर वंश के जो राजा थे उन्होंने यहाँ पे, और ये थे हाकिम खान, ये महाराणा प्रताप के जो है सेनापति थे, और ये बहुत ही वीरता से लड़े थे, और जब इनका सिर कट गया था तो इनकी तलवार नहीं छूटी थी, उस तलवार के साथ इनको यहाँ पर समाधि बनाई गई थी जो आज भी मौजूद है। और जो महाराणा प्रताप के दूसरे जो सेनापति थे झाला मन्ना, उनकी भी यहाँ पे समाधि बनाई गई है। झाला मन्ना जो है बिल्कुल महाराणा प्रताप की कदकाठी के थे, जब महाराणा प्रताप घायल हो गए थे तो महाराणा प्रताप की जगह उन्होंने ही ली थी, और ये वो जगह है जहाँ चेतक ने छलांग लगाई थी। तो अब हम हल्दी घाटी को यहीं पे समाप्त करते हैं, आशा